नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन। आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं केदारनाथ धाम के कुछ रहस्यमयी बातें जो कि आपने शायद ही सुनी होंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केदारनाथ कहाँ स्थित है। केदारनाथ भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई है। आओ जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर के रहस्य। तो जानते हैं सबसे पहला रहस्य। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ तीन पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है, मंदाकिनी, मधुर गंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम मंदिर। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। दूसरा रहस्य, यह मंदिर कटवा पत्थर के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य ही तो है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कौन लाकर तराशा होगा और कैसे। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। तीसरे रहस्य देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा रहस्य यह है कि यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया था। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 776 ईसा पूर्व देहत्याग गए अधिकांशाचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इनका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं सदी से मालवा के राज भोज द्वारा यह, फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। अब देखते हैं चौथा रहस्य। दीपावली के दूसरे दिन ही ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित समापन पट बनकर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मन में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई का महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तभी उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी 6 महीने पहले छोड़कर गए थे। तो दोस्तों, पांचवा रहस्य बहुत ही दिल दहला देने वाला है, जो कि 16 जून 2013 की रात को प्राकृतिक ने ऐसा कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश की पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ धाम के मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उस चट्टान के रुकने के कारण बाढ़ का जो जल था वो 2 भागों में बट गया और बटने के कारण हमारा जो केदारनाथ धाम मंदिर है वह सुरक्षित रह गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई और आसपास के जितने भी छोटे छोटे घर, दुकान, मकान थे, सबको अपने प्रलय में बाढ़ में बहा कर ले गया और वहां पर पूरा विनाश ही विनाश रह गया, कुछ नहीं रहा। और उस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है अंदर शिवलिंग, उसे कुछ नहीं हुआ। जो बाहर नंदी जी थे उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये एक सबसे बड़ा रहस्य है और आश्चर्यचकित कर देने वाला रहस्य है। तो छठा रहस्य यह है कि पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार कहा जाता है कि यह मंदिर आने वाले समय में लुप्त हो सकते हैं। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ जाने का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान
बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का आगम होगा। मित्रों अब जानिए 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ धाम का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पुनः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी जी ने के अनुसार 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी करीबन 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दबा गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थर पर आज भी इनके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चारों तरफ से ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह की जल प्रलय और आपदाएं आती रहेंगी। ये था दोस्तों कुछ रहस्यमयी बातें जो कि आपको शायद ही पता रही होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।